अभी 2 दिन पहले ही मार्वल ने द मार्वल्स जो इनकी मूवी आ रही है जिसके बारे में कोई भी परवाह नहीं कर रहा, कोई भी केयर नहीं करता है, उसका लास्ट फाइनल ट्रेलर ड्रॉप किया जो कि 10 नवंबर को वैसे भी मूवी रिलीज़ होने वाली, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ट्रेलर लॉन्च करने का इसका कोई वैसे फ़ायदा या दुख तो नहीं बनता, लेकिन इन्होंने किया है क्योंकि मूवी की हाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा ख्याल खुद भी इस पर गिव अप कर चुके हैं, इसकी कोई प्रमोशन नहीं हो रही, कोई कहीं पर भी कोई इसकी बात नहीं हो रही। तो उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसमें छोटा सा कैमियो दिखाया है वैल्करी का, जो कि पता नहीं एक कैमियो ही होगा, इसका कुछ ज़्यादा मतलब तो नहीं बनता मूवी के बारे में। वो पिछली मूवी की भी कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करता था, वो बिलियन डॉलर का आंकड़ा इसलिए क्रॉस कर सकी क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई थी अवेंजर्स एंड गेम, तो एंड गेम की हाइप ने ही उसे इतनी अच्छी किया है। इस करेक्टर के बारे में भी कोई ज़्यादा बात नहीं करता, लोग इसे पसंद नहीं करते शायद वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से कि एक औरत इतनी पावर कैसे संभाल सकती। आई डोंट नो, मेरा ही ओपिनियन नहीं है, काफ़ी जगह काफ़ी आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि शायद इसीलिए लोग इसे पसंद नहीं कर रहे और ना ही इस करेक्टर का इतना कोई अच्छा बिल्डअप था, सीधा ही ये एक मूवी में आई और डायरेक्ट इसे थानोस के सामने खड़ा कर दिया गया। बाकी इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, और नेक्स्ट शायद मैं बात करूँगा द एक्वामैन पे क्योंकि दिसंबर में वो भी रिलीज़ हो रही है और वो DCEU की आखिरी मूवी है। बाकी तब तक के लिए वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का।